जवाब आगे। तो भक्तों, एक बहुत प्यारा सा जवाब दे रहा हूँ आज मैं, कि जब हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, सामग्री की आहुति देते हैं, लौंग की आहुति देते हैं, और आपने देखा होगा कि नारियल की आहुति दी जाती है, गोले की जो पूर्ण आहुति बोलते हैं उसको, वो दी जाती है, तो उसमें ना अक्सर एक आवाज़ आती है चटक करके, जो लौंग चटकती है, चटक करके गोला चटकता है, तो उसका मतलब क्या होता है, क्या वो शुभ है? अगर साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान सीधा सा बोलता है कि जो गैसेस का रिएक्शन होता है आग जलने की वजह से, आग लगने की वजह से, अग्नि लगने की वजह से, क्योंकि वो तो अग्नि बोलता ही नहीं, अग्निदेव उनके लिए तो अग्निदेव है ही नहीं, उनके लिए तो आग है, फायर साइंस के लिए, तो वो कहते हैं आग लगने की वजह से गैस बनी, और गैस बनने के बाद वो फट गया, गोला फट गया, ब्लास्ट कर गया, या लॉन्ग ब्लास्ट कर गई। तो क्या ये साइंस जो कह रहा है यही चीज़ सही है, या इसका एक सनातन धर्म का एक सात्विक महत्व भी है? तो वो महत्व आज वीडियो बनाने बताने वाला हूँ। चेला गोरख का चैनल को सभी भक्तों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है, सब्सक्राइब करके पहुँचाइए, ताकि जो भक्त परेशान है उनको बिल्कुल फ्री में घर बैठे बैठे उनका परेशानी का समाधान मिल सके। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम हर की, जय बागड़ की सरकार की, देखो मेरे सिरे गोरख तेरी सदा है जो। तो वक्त देखिए, जब भी हम लौंग चढ़ाते हैं, एक बात तो मैं आपको बता दूं, कभी भी लौंग को ना अकेली लौंग में चढ़ाइएगा, कभी भी किसी अग्नि में, जब भी आप हवन कुंड में चढ़ा रहे हों, या घर पे कोई छोटी करसी कर रखी हो, कुछ भी हो, और आप लौंग चढ़ाते हैं, तो लौंग का जोड़ा चढ़ना चाहिए कभी भी, यानी कि दो लौंग, दोनों फूल वाली लौंग जो होती हैं, दोनों लौंग चढ़ने चाहिए। लौंग आपके जीवन में धन धान्य का प्रतीक होती है, लौंग आपके जीवन में धन धान्य का प्रतीक होती है, और साथ ही साथ लौंग आपके जीवन से कष्टों को निवारने के लिए भी उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि लौंग का जो है, लौंग की जो आकृति है, वो विष्णु जी के हाथ में कमल की आकृति को दर्शाती है, और विष्णु जी से सभी दुष्ट आत्माएं डरती हैं, भागती हैं, उनके नाम से कांपती हैं। तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है लौंग से, जब हम लौंग की सामग्री देते हैं, लौंग की आहुति देते हैं, तो लौंग हमेशा जोड़े में चढ़ती है, इसी वजह से कभी सिंगल लौंग नहीं चढ़ती, हमेशा दो लौंगों का एक जोड़ा चढ़ाया जाता है, तो दो जोड़े, पांच जोड़े, आठ जोड़े, इस तरीके से 11 जोड़े लौंग चढ़ाई जाती है, ठीक है। जब लौंग, अब लौंग में क्या होता है कि जब लौंग चढ़ाते हैं तो लौंग में एक विस्फोट होता है, या चटकती है, चटकारे मारती है लौंग, अग्नि से आवाज़ आएगी आपको, ठीक है ना, अग्नि से आवाज आएगी आपको, तो उसका मतलब ये समझ लीजिए आप, कि उसका प्योरली, उसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपकी जो लौंग है वो आपके अग्नि ने, हविष जो आपने लिया वो स्वीकार हो चुका है, वो आपकी घर की जो शक्ति है, जो शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो उन्होंने स्वीकार कर ली है। सीधा सा मतलब है सनातन धर्म में इसका। साइंस क्या कहता है उसको भूल जाइए, कि साइंस भी यही कहता है। तो अब मैं साइंस के हिसाब से बता देता हूँ, हमने तो सनातन बता दिया कि लिया, अब साइंस क्या कह रहा था, साइंस कह रहा था कि उसके अंदर गैस बनी वो फट गई, लौंग के अंदर गैस बनी वो फट गई। चलिए अब इस बात को ऐसे समझिए कि लौंग, मैंने भी क्या बोला, लौंग जब भी आप डालेंगे तो दुष्ट शक्ति भागती हैं उससे, लौंग से, तो होता क्या है कि जितनी भी ऊपरी शुक्री आपके घर में रहती है, तो जैसे आप लौंग की आहुति देते हैं तो लौंग चटकारे मार के जब फटती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके घर के अंदर कोई ऊपरी शुपरी होता है, किया कराया होता है, तो वो भागता है निकल के, थोड़ा अग्नि में जलने लगता है वो, अग्नि में जलने लगता है वो, तो जलने की वजह से वो भागता है, दौड़ता है, मरता है, भागता, चीखता है। तो आप ये समझ लीजिए इसका एक सीधा सा अर्थ साइंस की भाषा के हिसाब से। इसी तरीके से जब हम जो हवन सामग्री में पूर्ण आहुति देते हैं, गोले की आहुति देते हैं, या नारियल की आहुति देते हैं, तो उस गोले और नारियल की आहुति में ब्लास्ट में अगर गोले आपका चटक गया तो आप खुश हो जाइए भाई, क्योंकि जितने भी देवी देवताओं का आह्वान उस हवन में किया गया था, सबने अपनी अपनी सामग्री ग्रहण कर ली है, उसमें हवन का मतलब ये है। और यहाँ भी साइंस का जो लॉजिक है वो यही लगता है सनातन धर्म के हिसाब से, कि जब आपने ध्यान दिया होगा, पंडित जी क्या कहते हैं आपसे, पंडित जी कहते हैं आपसे कि ये गोला है सभी के हाथ लगवा लीजिए, घर के सभी मेम्बर्स के, यहाँ तक कि पूजा में, हवन में जो शामिल है सभी मित्र यार जो भी बैठे होते हैं सबके हाथ लगवा लीजिए, कहते नहीं कहते हैं, यहाँ ये भी कहते हैं कि पूरे घर में गोले को घुमा लीजिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि गोले के अंदर घी सामग्री भरी हुई होती है, और उसके ऊपर जितनी भी आपके घर में आयादा भयादा होती है, भूत प्रेत जो भी कुछ होता है ऑपरेशन, वो सब उस गोले से चिपट जाता है, चिपट के वो अग्नि में समाहित कर दिया जाता है।
और जब वो अग्नि में समाहित करता है तो जब भी उनके ऊपर मार लगती है, जब उन पर क्रिया होती है, तो वो चिल्ला के भागते हैं, फटते हैं, दौड़ते हैं, तो निकल के भागते हैं। तो इसका मतलब यह कि जब भी आपका गोला नारियल अग्नि के अंदर विस्फोट करे या चटक जाए, जैसे बहुत सारे देखेंगे अपने जागरण में नारियल लगते हैं या नौ देवी में नारियल लगते हैं या नवदुर्गे में नारियल लगते हैं, और उनका नारियल चटक जाए तो समझ लीजिए आपका काम बन गया, आपके घर में धन धान्य शक्ति आ गई। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। लौंग नारियल गोले अगर चटकते हैं तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाइए, क्योंकि आपके घर में जो आपकी शक्ति है, आपकी देव शक्ति है, उसने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धामा।